गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप किसी भी ओल्ड फैब्रिक को यूज़ करके या किसी भी ओल्ड दुपट्टे को यूज़ करके ये रैप ब्लाउज बना सकते हो जो आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने ये अपना ओल्ड फैब्रिक लिया। सबसे पहले आपको इसे एक ही फोल्ड में फोल्ड करना है क्योंकि सबसे पहले हम बैक का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये अपना कोई भी ओल्ड कपड़ा या कोई भी ओल्ड ब्लाउज प्लेस कर लीजिए। लेंथ मार्क करके साइड शोल्डर्स और नेक की मार्किंग कर लीजिए और शोल्डर में थोड़ा स्लैंट शेप दीजिए, इससे अच्छी फिटिंग आती है। उसके बाद सीजर की हेल्प से कट करके यहाँ पे हमारा बैक साइड का हमने कट कर लिया। फ्रंट साइड का कट करने के लिए हम टू पार्ट्स में कट करेंगे क्योंकि ये रैप टाइप का है। सबसे पहले आप बचा हुआ फैब्रिक उसके प्लेस कर लीजिए, उसके ऊपर अपना बैक साइड का प्लेस करके चौक की हेल्प से उसे ट्रेसिंग दे दीजिए इस तरह। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग दे दी है। उसके बाद जो शोल्डर का एंड है उसे आपको बॉटम के एंड में इस तरह राउंड शेप में सेमी सर्कल शेप में आपको लेकर आना है। जिस तरह मैं करी आपको सेम उसी तरह करना है और एक साइड का रैप आप तैयार कर लेंगे इस तरह मार्किंग करके। उसके बाद आप सीजर की हेल्प से इसे कट कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक साइड का कट कर लिया है मेरा रैप का ब्लाउज का। उसके बाद दूसरी तरफ का कट करने के लिए अगेन बचे हुए कपड़े के ऊपर अपना बैक साइड का ब्लाउज का प्लेस करिए, ट्रेसिंग करिए। इस तरह मैं ट्रेस कर लूँगी। उसके बाद आप एक साइड का और कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चौक की हेल्प से ट्रेस कर लिया है। उसके बाद मैं जो अपना फ्रंट साइड का लूँगी उसे लूँगी और उस पर प्लेस करूँगी। तो आप देख सकते हैं जो फ्रंट साइड का एक साइड का रैप है उसे मैं इस तरह से प्लेस कर लेना है। उसके बाद जो बॉटम का दूसरा एंड है उसे आपको मिडल में मिलाना रहेगा इस तरह। तो आप अंदाजे से मिला सकते हैं, इसमें आपको कोई भी इंची टेप की ज़रूरत नहीं होगी, आप अंदाजे से आराम से इसे मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से बीच में मिला लूँगी इस तरह। उसके बाद इसे आपको दूसरे शोल्डर के एंड में मिला लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मार्किंग को आपको लेके जाके ऊपर की तरफ शोल्डर का जो एंड है वहाँ पे आपको मिला लेना है। उसके बाद इसे भी कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ द सिजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये भी कट कर लिया है और दोनों भी आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया। उसके ऊपर आपको इस तरह एक के ऊपर प्लेस करके ये हमारा फ्रंट साइड का हो जाएगा। अब आपको हेमिंग करना है। तो जितने भी रॉ एजेस है और नेक का है उसे आपको सबसे पहले हेम कर लेना है और बैक साइड का भी आपको नेक हेम कर लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने हेम कर लिया है। उसके बाद आपको इसे प्लेसिंग करनी है और शोल्डर्स ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्लेस कर लूँगी और दोनों शोल्डर्स ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है। उसके बाद आपको लेस ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने ये जो टैसल वाली लेस है वो लगाया। एक तरफ आपको आधा ही लगाना है क्योंकि वो अंदर की तरफ चले जाएगा, एक तरफ पूरा लगाना है जो ऊपर का साइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लेस लगा चुकी हूँ। उसके बाद जो लेस का हिस्सा है उसे ऊपर से आपको सिलाई देनी है इस तरह ताकि वो बैठा रहे और दोनों भी शोल्डर्स है आपको हेम कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों भी आर्म होल मैंने हेम कर लिया है और मैंने लेस के ऊपर भी सिलाई मार दी है। उसके बाद आपको पलट के दोनों भी साइड सिल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कलर के मैं फ्लिप करके दोनों साइड्स भी स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड्स भी स्टिच कर लिया है। उसके बाद ये मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी है। ये ब्लाउज़ आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको आज का मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपके लिए किस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।